हेलो, हेलो, कौन हो आप? सोना इन्ना दाने। अच्छा, स्कूल में क्या बोलोगी? इन्ना दाने। और क्या बोलोगी स्कूल में? मेरा नाम है इन्ना दाने। अच्छे से बोलो। बने हो आप? वंदे मातरम। इंदिरा गांधी। नहीं, हंस नहीं रहे हैं तो माफ दीजिए। बोलो इंदिरा गांधी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंदिरा गांधी। चुप है, पिटाई लगाएंगी ऐसे मेरी लड़की पे? हंसना नहीं, मेरे बेटू पे पिटाई लगा दी। बोलो मेरा नाम है इंदिरा गांधी। बोलो सोना। हाँ, हो दिया बस। मेरा नाम है इंदिरा गांधी। गुस्से वाली इंदिरा गांधी है। देख चुके हैं, इंदिरा गांधी जी स्कूल जा चुकी हैं। और जब मैंने उसको रेडी किया, वो सच में खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मम्मा ये, मम्मा वो, मतलब ऐसे बोल बोल के बातें दिमाग खा रही थी। और इतनी क्यूट लग रही थी, मैं सच बताऊं। मैंने उसको काला टीका लगा के भेजा है। बच्चों को काला टीका जरूर लगाना चाहिए, नजर लग जाती है उनको। तो इस वजह से मम्मी ने बोल दिया था कि काला टीका जरूर लगा देना कल। एक्चुअली कल शाम को वो ड्रेस आ गई थी, तो मैंने उसको शाम को ही ऐसे ही रफली पहना के देख लिया था। उसके बाद मैंने आज उसको प्रॉपर तरीके से जब वो ड्रेस पहनाई है, तैयार किया है, तो वो सच में बहुत क्यूट लग रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो सुबह का शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि वो कैसी लग रही है। और अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं सुबह से थोड़ा सा ऐसे काम करने लगी अपना, तो घर का कुछ कर नहीं पाया। अभी शबनम को कॉल किया है, वो बोल रही है कि मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। तो मैं उससे पहले सोच रही हूँ अपनी क्लीनिंग सारी फिनिश कर डालती हूँ। आएगी तो वो झाड़ पोछा लगा देगी। और बाहर कभी धूप हो रही है, कभी नहीं हो रही है। सामने नीचे एक स्कूल है, तो वहां पर राष्ट्रगान चल रहा है। आपको आवाज आ रही होगी बच्चों की। तो यही है, कल है 15 अगस्त। तो आप सभी लोगों को इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को ये ब्लॉग जाएगा, तो इन एडवांस क्या मतलब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। कल 15 अगस्त है और छोटे पर हम कितना ज्यादा एक्साइटेड होते थे ना 15 अगस्त के लिए, लड्डू मिलेंगे। सच में मैं तो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती थी। सबसे ज्यादा अगर मुझे खुशी होती थी स्कूल जाने की, तो वो आज के दिन की होती थी कि हाँ 15 अगस्त है, चलो स्कूल चलते, लड्डू मिलेंगे, प्रोग्राम्स होंगे। मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता था। 15 अगस्त जाने की स्कूल की खुशी अलग होती थी, है ना हम लोगों की। मेरे पूरे घर की हालत आप देख सकते हैं, ये पीछे का रूम और इधर का रूम। और इधर मैं आपको इधर की स्टोरी बताती हूँ। आज ये जो मेरी फोल्डिंग है ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती है, ऐसी रहती है, इसलिए मैं इसको डेली साफ करती हूँ। और डेली ये पापा बेटी मिलके ना डेली इसकी वो मचा रहते, वो टॉयज डाले रहती है और वो अपने कपड़े डाले रहते, बिल्कुल साफ रहने ही नहीं देते वो फोल्डिंग। बस आएंगे और एकदम हड़कंप मचा देते हैं। तो वो एक कॉर्नर में, चलो मैंने कहा ठीक भी, एक कॉर्नर ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ उसमें थोड़ा सा सामान ऐसे इधर उधर बिखरा भी रहता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उसकी भी अभी क्लीनिंग करनी है और सारे घर की क्लीनिंग करनी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों से। और साथ ही साथ बेटू स्कूल गई है, आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं कि वो कैसी लग रही है। आप लोगों को वो हमेशा ही क्यूट लगती है, तो ये चीज मैं पूछूंगी नहीं, मुझे पता है वो बहुत क्यूट लग रही है। कल की साड़ी देखे, मैंने तही नहीं लगा पाई थी, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको मुझे तही लगा के अंदर रखना है, यही सारे काम करने हैं। और मेरी मेहंदी देखिए काली पे काली होती जा रही है एकदम, मतलब अब कलर आया इसका अच्छे से।
तो बस ये सारी चीजें, चलिए मैं आप लोगों से बात ही करती रहूंगी, शबनम माँ के खड़े हो जाएंगे, फिर वो झाड़ू पोछा लगा देंगे, फिर झाड़ू पोछा लगे में मुझे ये सब करने की इच्छा नहीं होती है, लगता है कि और गंदा हुआ जा रहा है घर। चलिए मैं फटाफट काम फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आराम से आप लोगों से मिलती हूँ। हो सकता है मुझे बेटू को स्कूल लेने भी जाना पड़े, ये बोल रहे थे मुझे एक बार 11:30 बजे कॉल कर लेना, तो देखते हैं क्या है। फटाफट मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सकती हूँ आपको, मतलब उस कमरे की पूरी क्लीनिंग की है, इस रूम की पूरी क्लीनिंग की है, जो ये गद्दे थे इसको धूप में रखा है, और जैसे गद्दों को धूप में रखा 5 मिनट बाद इतनी तेज बारिश हुई, मोटी मोटी बूंदे पड़ने लगी। मैंने कहा कि मतलब ये हो क्या रहा है, तो वही ना इनका फोन आया था, कह रहे थे तुम मत जाना मैं ले आऊंगा जा करके, मैं उसी साइड, तो इसको लेकर के आ गए, तो मेरा एक वो काम थोड़ा सा कम हो गया, वरना मुझे इसको लेने जाना पड़ता, तो मतलब हालत खराब थी आज, तो बहुत सारा काम किया मैंने ओवरऑल, मैं ये कहना चाहूंगी काम करके मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेट गई, पूजा पूजा की, लंच किया, और लंच में मैं आपको बताऊँ कुछ बनाया नहीं था आज, टू बी ऑनेस्ट। जो कल की सब्जी रखी थी काफी बच गई थी तो वो रखी थी, उसके बाद चावल मैंने चढ़ा दिए थे, बस वही छोले चावल खा करके मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और बेटू बाहर सो रही है, उसको एसी में नहीं सुलाया है, मैं मुझे थोड़ा सा गर्मी लग रही थी तो मैं अंदर आ गई, तो मैंने कहा उसको नुकसान करेगा, तो वो बाहर सो गई है आकर के। और सच में जब वो आई थी ना उसकी हालत ऐसी हो रही थी, फाइनली इंदिरा गांधी आकर के सो गई तो मुझे उसको देख के इतनी हंसी आ रही थी, आई थी ना पल्ला ऐसा था, हालत उसकी बिगड़ी हुई थी, तो परेशान हो रही थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। फटाफट उसके कपड़े चेंज किए, थोड़ी देर बाद उसको नहला दिया अच्छे से, और फिर वो सो गई है, तो मैंने कहा ब्लॉग बनाऊंगी और बच्चा इरिटेट होगा, तो इस वजह से मैंने साड़ी जो ली थी वो किराए पर रेंट पर ली थी 150 रुपीज की, तो 300 उसने जमा कर लिए हैं और 150 उसको वापस करने हैं, तो जब ये देने जाएंगे आज शाम को, चश्मा भी उसी के साथ आया था जो ये चश्मा लगाई थी, तो जब ये देने जाएंगे तो 150 रुपए वापस लेकर के आ जाएंगे। और आज मैं, और आप लोग देख रहे होंगे, आज मैंने पहनी है बहुत बाबा आदम की कुर्ती बाबा आदम मैं इसलिए बोल रही हूँ, कहावत है ना बाबा आदम जमाने की, मतलब बहुत पुरानी कुर्ती है ये कुर्ती मैंने ली थी, मैं भूल गई मैंने कब ली थी, एक जमाने में मेरी फेवरेट कुर्ती हुआ करती थी, मैंने इस कुर्ती को बहुत पहना। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने कपड़े भी सुखाने नहीं डाले बाहर, जो मैंने वॉश किए हैं, कपड़े नहीं है वो सारे, चादर बेडशीट और सारे जो सोफा का कवर है, तो यही सारा कुछ मैंने वॉश किया, मैं सारा ये सब इकट्ठे ही वॉश करती हूँ। Thank you.
और मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी और बहुत अच्छी खबर शेयर करनी है, वो ये कि purple.com पे चल रही है इंडिपेंडेंस डे सेल। तो इस टाइम अगर आप शॉपिंग करते हो purple.com से तो आपको अपने फेवरेट प्रोडक्ट पे अप टू 60% तक का भी ऑफ मिल सकता है। तो मैंने सोचा मैं इस न्यूज को आपके साथ जरूर शेयर करूं। जो लोग कुछ खरीदना चाह रहे हैं, चार दिन बाद खरीदना चाह रहे हैं, तो वो अभी क्यों ना ले लें, इस सेल का बेनिफिट ले लें आप लोग। कुछ भी मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड कुछ भी सामान purple.com पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, स्किन केयर से भी रिलेटेड और मेकअप से भी रिलेटेड सारा सब कुछ मिल जाता है वहां पर। तो अगर आप लोग भी लेने का प्लान कर रहे हो तो इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ एक कूपन कोड है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 40% किसी प्रोडक्ट पर ऑफ है, अगर आप वो कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 40+10 यानी 50% का फ्लैट एकदम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई चीज 200 की है तो आपको 100 ही में मिल जाएगी, कोई चीज 400 की है तो आपको 200 ही में मिल जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कितने सस्ते दिन चल रहे हैं ये। तो इस चक्कर में मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये चीज शेयर कर, और ये सारी चीज तभी वैलिड होंगी जब आप लोग purple.com ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लोगे। तो इस ऐप से आप शॉपिंग करके इस टाइम अपने काफी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपसे अपने कुछ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास है, उन सारे प्रोडक्ट पर कितना कितना ऑफ है। तो चलिए मैं फटाक से दिखा देती हूँ, फटाक में ज्यादा बोलने लगी आजकल, चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है निविया का लाइट मॉइस्चराइजर। निविया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। इसका मैं ऑफर आपको बता देती हूँ, इसकी एमआरपी है 36 रुपीज और इस पर चल रहा है 19% का ऑफ, तो उसके बाद आपको ये मिलेगा 29 रुपीज का। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एल्प्स गुडनेस का फेस जेल, फेस वॉश है, रिमूव ब्लैक हेड्स, प्रिवेंट्स फेस ब्लेमिशेस, इज सूदिंग एंड कामिंग। तो ये सारी इसकी बेनिफिट है और ये एक एप्पल क्लींजिंग फेस वॉश है। इसकी जो एमआरपी है वो है 99 रुपीज, इस पर चल रहा है 20% का ऑफ और आपको 20% के ऑफ के बाद मिलेगा ये 79 रुपीज का। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, इसका जो नाम है वो है डबल एक्सल लैश। इस मस्कारा पे चल रहा है 15% का ऑफ, इसकी एमआरपी है 399 रुपीज और आपको आफ्टर डिस्काउंट मिलेगा 339 रुपीज का। और मैं इसको आपको जल्दी से अप्लाई करके भी दिखाऊंगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। और जो नेक्स्ट है वो है मेकअप रेवोल्यूशन का ये फाउंडेशन, इसका जो शेड है वो है F6 और इसकी जो एमआरपी है वो है 850 रुपीज और इस पर भी चल रहा है 20% का ऑफ, तो 20% के ऑफ के बाद आपको मिलेगी 680 रुपीज की। ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास SQ की मैट लिपस्टिक, 45 है इसका शेड और चलिए मैं जल्दी से ओपन करके भी दिखाती हूँ कैसा है शेड। से पहले आप इसकी पैकेजिंग ही देख लीजिए कितनी क्यूट लग रही है। तो इसका जो शेड है वाओ कितना खूबसूरत है, मेरा तो इसका अप्लाई करने का बट मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, मैं कभी और अप्लाई करूंगी। जो एमआरपी है मैं आपको बताऊं 275 रुपीज, तो 275 में आपको एक नहीं दो लिपस्टिक मिल रही है, यानी एक के साथ एक बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है। इसको तो मन कर रहा खा जाऊं चॉकलेट, एकदम डार्क चॉकलेट लग रही है, सच में बहुत अच्छा कलर है। यही नहीं, आपको जो मैंने आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये इनमें से कुछ मैंने, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। इन सारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और जो कोड है वो भी मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिलेगा। तो यही एक गुड न्यूज मुझे आप लोगों से शेयर करनी, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं आप लोगों से ये चीज शेयर कर दूं ताकि इस इंडिपेंडेंस डे आप लोग इस सेल का प्रॉफिट ले पाए और अपने कुछ पैसे बचा पाए। जब वैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं तो कितना खुशी होती है, बट कोई चीज हम डिस्काउंट में शॉपिंग करते हैं ना तो उसकी तो खुशी और उसकी तो बात ही अलग होती है, डिस्काउंट वाली शॉपिंग की बात एकदम अलग हो जाती है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा डिस्काउंट में चीजें पा सकते हैं इस टाइम पर शॉपिंग करते हैं। तो बहुत तेज गर्मी हो गई है सच में, आप लोग बोलते हो ना गले में पहने ला करो, गले में पहने ला करो, उसका रीजन बस यही है कि गले में पहनते हैं ना तो एकदम मतलब इचिंग सी होने लगती है, इस वजह से थोड़ा सा गर्मियों में बहुत दिक्कत देता है गले में कुछ पहनना। बट फिर भी मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट से पहना है और ये बिंदी भी लगाई है, बिंदी सही लगी, टेढ़ी तो नहीं लगी, मुझे लग रहा टेढ़ी लगी है बिंदी, अब सही हुई ना आप लोग कितनी रिक्वेस्ट करते हो बिंदी लगा के रखा करो, गले में कुछ पहन के रखा करो, तो मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने का। और आज मैंने शायद फर्स्ट टाइम ये वाले इयररिंग पहने हैं, ये मुझे शुगर बॉक्स में निकले थे, काफी महीनों पहले निकले थे
तो मेरा मन किया, इस वजह से मैंने पहन लिए। आज का जो मेरा घर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जैसे किसी को किसी से प्यार होता है, किसी को किसी से प्यार होता है, तो मुझे ना क्लीनिंग से बेहद प्यार है। तो जब क्लीनिंग हो जाती है तो माइंड से लगता है एकदम बोझा सा उतर गया है, रिलैक्स लगने लगता है, पूरा घर एकदम क्लीन क्लीन हो गया है, सब कुछ हो गया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ आज, और मेरी सारा काम ना मतलब इकट्ठा पड़ गया। और मैं सोच रही हूँ मुझे अलमीरा भी सेट करनी, अपनी भी अलमीरा सेट करनी है और बेटू की भी अलमीरा सेट करनी है। ये दोनों ही पापा बेटी बहुत फैलाते हैं आप समझ जाइए, बहुत फैलावा फैलाते हैं ये दोनों पापा बेटी, तो वो सब मुझे समेटना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, आज नहीं करूंगी, कल एक दिन इनकी अलमारी कर दूंगी और एक दिन बेटू की अलमारी कर दूंगी, तो यही सही रहेगा। वरना इकट्ठे करो ना तो फिर बहुत थकान हो जाती है। वो वाला रूम एकदम मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरे पास एक बार एक कमेंट पता है क्या आया था, कि मैं केवल वीडियो के लिए क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे वो पढ़ के इतनी हंसी आई, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे हंसी आई। मैंने कहा ये सबूत मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्लीनिंग के मामले में मुझे किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है मुझे बहुत हंसी आई वो कमेंट पढ़ के। मतलब एक दो ढाई साल के बच्चे के साथ मेरा घर ऑलवेज नीट एंड क्लीन रहता है। मैं 101% कोशिश करती हूँ मेरा घर एकदम क्लीन है, मुझे पसंद ही नहीं मेरी ये आदत। इवन एक तौलिया भी इधर उधर पड़ी होगी ना, मुझे ये लगेगा पहले मैं इसको समेट के जाकर के रख लूँ। वीडियो बना रही हूँ तभी नहीं, वीडियो नहीं भी बना रही होती हूँ तभी भी कोई भी चीज अपनी जगह से मिसप्लेस है, मैं तुरंत उसे उठा के रखती हूँ, चाहे वो तौलिया हो, बेटू के सैंडल हो और ये हो। और आप लोग बोल कुछ भी देते हो, कुछ एक लोग हैं जो बोल कुछ भी देते हैं, सोचते नहीं है कि कितना एफर्ट लगता है। एक छोटे बच्चे के साथ इतना घर क्लीन रहता है, इसका मतलब ये है कि मतलब इसका मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि मैं ना हर 5 मिनट 10 मिनट ऐसे में क्लीनिंग करती रहती हूँ। ये कुछ फैलाती है मैं तुरंत समेटती हूँ, फिर ये कुछ फैलाती है आवाज आई क्या। कहने का मतलब ये है, ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है ना कि बच्चे के साथ कितना एफर्ट लगता है इस तरीके का घर रखने में। अकेले हो तो कोई नहीं, सामान कोई फैलाने वाला है नहीं, एक बार क्लीन कर दो सुबह से शाम तक वैसे ही पड़ा हुआ है। बट बच्चे के साथ मैं क्लीन करती जाती हूँ, ये पीछे से फैलाती जाती है, तो मुझे ही पता है कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 99% तो मेरा घर साफ रहे, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे क्लीनिंग किसी को दिखानी नहीं है। अपनी अपनी आदत होती है ना, किसी को चैन पड़ जाता है किसी को नहीं पड़ता, तो मुझे बिल्कुल, मैं एक बार भूखी रह लूंगी बट बिना क्लीनिंग के मैं नहीं रह सकती हूँ। और दूसरी चीज ये है, ये होटल नहीं है, घर है, घर में सामान फैलते रहते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली जब होती है ना तो मतलब घर की तरह रहते हैं ना, तो सामान फैलेगा तभी तो हम क्लीन करेंगे, सामान फैलेगा ही नहीं तो हम क्लीन क्या करेंगे। तो ये चीज मुझे शेयर करनी थी एक, चलिए कोई बात नहीं। जिसने भी मुझे कमेंट कभी भी किया था कुछ दिन पहले आया था, मेरे माइंड में एकदम दिमाग में बात आ गई ना, क्योंकि एकदम से आज क्लीनिंग की तो मेरे माइंड में आ गई, मैंने कहा चलो मैं आज ही बता देती हूँ। कभी कभी कुछ लोगों को आंसर देना जरूरी बन जाता है, जरूरी नहीं हम गलती बोलें, गलत तरीके से ही बोलें और कुछ गंदा ही बोलें, अच्छे से भी आंसर दिया जा सकता है ना। तो बस मेरी यही मतलब यही समझाने का एक तरीका है कि एक छोटे से बच्चे के साथ मैं कितना एफर्ट डालती हूँ तब ये घर ऐसा रहता है, इसका मैं प्रूफ नहीं दे सकती हूँ। काफी सारे लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं जो मेरे मुझे बहुत अप्रिसिएट करते हैं मेरे घर को लेके, मेरे काम को लेकर के, तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। चलिए अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे बेटों को भी देखना है, मैं उसे बीच में देख के आई थी अभी, बट मैं सोचू उसको थोड़ा सा देख लूँ, उठाऊँ, देखूँ क्या करती है। और मुझे इनको भी कॉल करना है, देखते हैं कब तक आएंगे, इनको कॉल करना पड़ता है, डेली पूछना पड़ता है कब तक आएंगे, कब तक आएंगे, कब तक आएंगे। कहते मेरी जान मत खाती हो तुम, कब आओगे कब आओगे। बीवियों का तो हक बनता है, हस्बैंड की जान नहीं खाएंगे तो किसकी जान खाने जाएंगे। चलिए फिर।